हेलो बच्चों, फैक्टराइजेशन चैप्टर आदि शर्मा का एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फैक्टराइज करना है हमें 3x माइनस 9 को, तो हम इसे 3x को तोड़ लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 मैंने निकाल लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, ब्रैकेट लगा लीजिए, x माइनस 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। एनी डाउट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 15x स्क्वायर, हमें इसे भी फैक्टराइज करना है, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम इसे तोड़ लेते हैं, ये हमने इसे तोड़ लिया है, अब ये 5x5 बाहर निकाल लिया, अब 1x बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस 3x, ये हो गया हमारा आंसर। एनी डाउट बच्चों? कोई डाउट, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 20a की पावर 12, b की पावर 2 माइनस 15, a की पावर 8, b की पावर 4, तो हम इसे कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप तोड़ लो इसे, 5 2 10, 10 2 20, 8 12, अभी हम इसे 8 12 रहने देते हैं, हम इसे तोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि काफी, मतलब हमें ए को 12 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो अभी हम एलसीएम से लिख रहे हैं। 15 को तोड़ लीजिए, 5 3 जा मल्टीप्लाई बाय ए 8 मल्टीप्लाई बाय बी 4, 5 5, 2 2 3 कुछ कॉमन नहीं है। अब देखिए ये बाकी तो सारे अंदर चले जाएंगे जो कॉमन नहीं है, अब जो इसका देखो, ए 12 है और ए 8 है, तो जिसकी पावर छोटी है वो वाला मैं लिख लूंगी बाहर, क्या लिख लूंगी बाहर। ऐसे बी की पावर क्या है, 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 4 है, तो मैं लिख लूंगी 2 बाहर, तो ये हो गया कॉमन। अब अंदर क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ए की पावर 4, सेम बेस पावर एड वाली आइडेंटिटी, बी कुछ बचा ही नहीं, दूसरी तरफ क्या बचा, 3, ए में कुछ नहीं बचा, बी में 2 बचा, ये हो गया 4a की पावर स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3b स्क्वायर, तो ये हो गया आपका आंसर। एनी डाउट? एनी डाउट? ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72x की पावर 6, y की पावर 7 माइनस 96, x की पावर 7 एंड y की पावर 6, तो आइए तोड़ लेते हैं इसे, 9 8 72, तो इसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं, x की पावर 6 रहने दीजिए, y की पावर 7 रहने दीजिए, 96 को तोड़ लीजिए, 12 इतना होगा, 12 8 3 4 2 into 2 into 2, 3 4 12, 12 2 24 24 2 48 48 2 96, x की पावर 7 और y की पावर 6 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब कॉमन देखते हैं, इसको भी तोड़ लीजिए, और तो ये हो गया 3, एक बाहर आ गया। अब 2 देखते हैं, 2 कितने बाहर आ सकते हैं, 3 2 बाहर आ सकते हैं, ठीक है, एक 3 ले लिया हमने और बाकी 3 2 ले लिए। अब x की पावर 6 और x की पावर 7 है, तो ले लेंगे x की पावर 6, y की पावर 7 है, y की पावर 6 है, तो y की पावर 6 ले लेंगे। अंदर आप देख लेते क्या बचा, एक 3 बचा है, x बचा और x नहीं बचा है, x तो हमने पूरा का पूरा ले लिया है, y बचा है माइनस, अंदर और क्या बचा है, 4 और x बचा है, 3 2 6, 6 12 12 24 x6 y6 3y minus 4x, देख लीजिए एक बार, कहीं कोई डाउट, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से कॉमन लेने होंगे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। 20x³ - 40x² + 80x, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बड़े मेथड में नहीं जा रहे, किसको नहीं खोल रहे, थोड़ा प्रैक्टिस करके यह हैबिट आपको पड़ जाएगी, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर क्यूब, इसे 20 × 2, इसको 20 × 4x, ठीक है, तो मैं ले रही हूं 20 और x कॉमन, तो x की जो है सबसे छोटी पावर है वो वाला बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, x² - 2x + 4, क्योंकि ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़े क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x³ - 4x² y³ + 8x y³ 4, तो इसमें सबसे पहले निकाल लेंगे हम 2 बाहर, और पावर देख लीजिए, x की पावर सबसे छोटी क्या है, x, y की पावर सबसे छोटी क्या है, 2, तो अब देख लेते हैं y की पावर 2, ठीक है, तो अंदर देख लेते हैं, अंदर बचा x² - 2xy + 4
वाई स्क्वायर। देखो बच्चों कहीं कोई शक? तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़े ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टेन एम क्यूब एन स्क्वायर प्लस 15m4 एन माइनस 20m2 एन क्यूब। फटाफट से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले सकते हैं? फाइव कॉमन, छोटी पावर देख लो एन की, एम स्क्वायर एन की छोटी पावर एन है, वन है तो अंदर बचा टू एम एन प्लस 3m2 माइनस 4m2। कुछ समझ आया? एनी डाउट? कोई डाउट बच्चों?